हाय, मेरा नाम अर्णव आदित्य सिंह है। मैं बैंगलोर का रहने वाला हूँ और मेरा जे एडवांस 2021 में रैंक 9 है। मैं आपसे आज शेयर करूँगा टिप्स जो मैंने यूज़ किए जे एडवांस के प्रिपरेशन में अपने। तो पहले स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स में मैंने हिट्सी वर्मा सर की किताब और इरडोफ रशियन ऑथर की किताब, मैंने दोनों सॉल्व की थी प्रैक्टिस के लिए। और थियोरी के लिए मैंने क्लास में मेनली जो कवर होता है उस पर ध्यान दिया। और फिज़िक्स में मेन बात यह है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन में पैटर्न क्या है सॉल्व करने का। कि फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स में आपको एनालाइज करना है कि कौन से कंस्ट्रेंट्स लगे हैं, कौन से इक्वेशंस लिखने हैं, और बेसिकली आपको टॉपिक का थीम ग्रास्प करना है फिज़िक्स में। और उसके अलावा प्रैक्टिस जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपका एबिलिटी मजबूत होगा। फिर आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में तो तीन पार्ट्स डिस्टिंक्ट ही हैं, ऑलमोस्ट अलग सब्जेक्ट की तरह। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, आपको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है। और उसके अलावा क्लास में जो कोर्स हुआ है उस पर ध्यान देना हर सब्जेक्ट में ही मैंडेटरी है, स्पेशली खास करके केमिस्ट्री में। और फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स, मोस्ट चैप्टर्स तो न्यूमेरिकल टाइप के हैं, जो कॉन्सेप्ट ग्रास्प हो गया तो काफ़ी ईजी लगते हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे सर्फेस केमिस्ट्री जिनमें थोड़ा सा रटने का कंपोनेंट है, तो उनको कभी लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ना है क्योंकि वो आपको वापस आके परेशान कर सकते हैं। फिर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से थीम्स का कॉन्सेप्ट चलता है कि कार्बोकेटायंस के रिएक्शंस कैसे होते हैं, रेडिकल्स के रिएक्शंस कैसे होते हैं, और कार्बन आयंस के रिएक्शंस कैसे होते हैं, और बेसिक ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको इन थीम्स पे एकदम सॉलिड ग्रास्प होना चाहिए और रिएक्शंस अपने आप याद होने लगेंगे। फिर आते हैं आईओसी में। आईओसी में जितना लोगों का फोबिया है उतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें एज लॉन्ग एज आप कंसिस्टेंट हैं, मतलब आपका कंटिन्यूस रिविजन है हर वीक, प्रेफरेबली हर दिन, और आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो फिर आईओसी में आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। और आपको कई जगह ऐसे स्पेशली आईओसी में ऐसे सोर्सेज मिलेंगे कि वो एनसीईआरटी में अगर एक रिएक्शन दिया तो उसके बारे में वो लोग तीन पेज लिख देंगे। इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जेई रेयरली एनसीईआरटी से बाहर की पूछता है। फिर आते हैं मैथ्स में। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ही आपका मैथ्स बढ़िया होगा। और प्रैक्टिस में सोर्सेज तो मैंने एलन की शीट से और एलन में जो एडिशनल्स और असाइनमेंट्स मिलते हैं उनको मैंने रगड़ डाला, और मतलब सर हमें कई बार उनको कराए हैं, और देयर अ कंपाइलेशन ऑफ द क्वेश्चन, सो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस रहा उससे। और उसके अलावा आपको इंश्योर करना है कि आप कंसिस्टेंट रहें पांचों ही सब्जेक्ट में, कि ऐसा ना हो कि आप एक पूरा हफ्ते फिजिक्स पढ़ लिए और फिर अगला हफ्ता मैथ्स पढ़ लिया और केमिस्ट्री छूट गया। ये अक्सर मेरे से पहले होता था और इसी कारण मेरा केमिस्ट्री बहुत सफ़र किया था इनिशियली। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको इंश्योर करना है कि 11th और 12th आपके लिए वो सिर्फ एक तरह से बुक कीपिंग का डिस्टिंक्शन है, तो आपके लिए सारे टॉपिक्स इक्वल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई में जो टॉपिक्स आते हैं वो दोनों का लगभग बराबर कवरेज रहता है। लेकिन 11th के कॉन्सेप्ट्स मजबूत रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके 12th में भी जाके बहुत काम के आते हैं। ऑब्वियसली अभी तो 2 साल में लॉकडाउन रहा है, तो सोशल मीडिया तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा है पिछले 2 सालों में प्रिपरेशन में। जो भी चीज़ करें मॉडरेशन में करें, मॉडरेशन इज़ द की टू इंश्योरिंग दैट एनीथिंग इज़ यूज्ड इन गुड मेजर। कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि घर में हम लोग बैठे रहकर कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर हमें जो ऑनलाइन हम लोग ब्रेक लेने के लिए यूज़ करते हैं, हमें इंश्योर करने के हमें उसका ट्रैकिंग रखें कि हाँ मैंने अभी आधे घंटे के लिए किया है, अभी 45 मिनट्स के लिए किया है। कुछ कुछ दिन ऐसे भी होंगे आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो फिर आपको रिकग्नाइज़ करना है किस दिन मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हाँ मैं आज ब्रेक दे देता हूँ अपने आपको। तो बेसिकली आपको इंश्योर करने के आपके स्टडी आज जब आप स्टडी टेबल पर बैठे हैं तो आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन है और फ्रूटफुल आपके टाइम उसमें जा रहा है। अभी फिलहाल तो मैं IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ, और उसके आगे मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और कंप्यूटर साइंस रिसर्च में जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज के डेट में सिंस इन द 21st सेंचुरी कंप्यूटर साइंस ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। मेरा घर पे मेन गोल ये रहता था कि जो उस दिन असाइन किया गया है वर्क, चाहे होमवर्क हो चाहे रिविजन असाइनमेंट्स हो, उनको मुझे कंप्लीट करना है टू द लेटर। और उसके अलावा मैं टेस्ट के लिए अगले जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें देख लेता था रफली कि सिलेबस क्या है, और उसके हिसाब से अपना रिविजन प्लान बनाता था और उसको कम्प्लीट करता था। बाकी कोचिंग इंडस्ट्री एक्चुअली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप इन स्कॉलरशिप एग्जाम्स, जैसे फॉर एग्जांपल एलन का बहुत स्टैंडर्ड का एग्जाम है टैलेंटेक्स, उसको ट्राई कीजिए क्रैक करने का, क्योंकि वो आपके लिए पाथवे बनेगा एलन के सिस्टम के अंदर। पेरेंट्स का मेरा बहुत ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि स्पेशली कोविड के समय मतलब मेरे पापा बैंगलोर में अकेले रह रहे थे और मेरी मम्मी और भाई यहाँ पे रह रहे थे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था ऐसे फैमिली मतलब बिखर के रहना। तो फिर भी उन्होंने बहुत पेशेंस से सब कुछ हैंडल किया, और कोविड
तो वैसे ही मतलब इतना मतलब इट वॉज सच अ डार्क टाइम फॉर एवरी वन, एंड इसमें भी मतलब उन्होंने इंश्योर किया कि हमें कोई मेंटल स्ट्रेस या कुछ भी तरह का ऐसा ना मिले. उसके अलावा एलन के सिस्टम ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इंश्योर किया कि हमें कभी ऐसा ना लगे कि हम लोग कोटा में कहीं मुसीबत में है. मतलब दे कन्विंस्ड अस सो मच दैट वी वर कन्विंस्ड दैट कोटा में रहना सेफर ऑप्शन है रादर देन गोइंग बैक होम. हर पर्सन का अलग होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स और केमिस्ट्री इनिशियली वीक लगते थे थोड़े. कुछ लोगों को केमिस्ट्री लगता है, कुछ लोगों को मैथ्स लगता है, कई लोगों को फिजिक्स भी लगता है. तो वो आपको रिकग्नाइज करना है कि आप, और ये रिकग्नाइज आपको क्वांटिटेटिवली करना है, आपको टेस्ट में एनालाइज करना है किस सब्जेक्ट में मेरा टॉपर कंपेयर्ड कम मार्क्स हैं. नॉट टोटल मार्क्स इज कंपेयर्ड टू टॉपर, बिकॉज हर पेपर का डिफिकल्टी अलग रहता है. तो फिर आपको उससे पता चलेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में लैकिंग है. सब्जेक्ट के अंदर बात करें तो आप टॉपिक को ट्रेस डाउन कर सकते हैं कि हाँ मेरे इस क्वेश्चन से रेगुलरली पिछले 2-3 टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुए हैं या क्वेश्चन मिस हुए हैं. तो उसको आपको ट्रैक करना है बहुत ही रिलीजियसली. इंश्योर करना है कि कंसिस्टेंसी रहे, कि आप ऐसा ना हो कि केमिस्ट्री छोड़ दिया नहीं तो मैथ्स छोड़ दिया कि मन नहीं कर रहा है. आपको इंश्योर करना है कि आपके शेड्यूल में तीनों का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहे. हाँ मतलब इनिशियली मेरा थोड़ा सा केमिस्ट्री छूट रहा था, उसके कारण से मेरा केमिस्ट्री सफ़र भी किया था, लेकिन लास्ट में मतलब टीचर्स ने बहुत इस पॉइंट को स्ट्रेस किया और मैं भी समझा कि केमिस्ट्री को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं रहेगा. तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को हर दिन किया. नोट्स तो अपने खुद से बनाना बेस्ट होते हैं, जो कि खुद से हैं, जो हैंड रिटन रहता है उसका इंप्रेशन दिमाग में रह जाता है. तो आप वापस उसको देखते हैं तो आपके दिमाग में वो फैक्ट्स रिकलेक्ट होने लगती हैं मतलब सबकॉन्शियस से. और उसके अलावा तो बुक्स में एलन का मटेरियल तो बहुत ही बढ़िया है, तो मुझे उसके अलावा कुछ खास यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.